पाकिस्तान भले ही भारत से संबंध सुधारने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि ना ही उसने अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया और ना ही अपनी उसने नीयत बदली। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, जिसे पाकिस्तान ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान की इस हरकत की शिकायत की। वीवीआईपी के खास फ्लाइट्स के लिए सभी सामान्य देश अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस रुख से भारत निराश हुआ और पाकिस्तान के एयर स्पेस नहीं खोलने के फैसले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन में उठाया। ओवर फ्लाइट्स क्लियरेंस मांगे जाने पर दूसरे देश अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के मुताबिक अनुमति दे देते हैं। और भारत भी ऐसी अनुमति मांगना जारी रखेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के उस अनुरोध को नामंजूर कर दिया है, जिसमें सऊदी अरब दौरे पर जाने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति मांगी गई थी। पाकिस्तान इतना बेशर्म है कि हिंदुस्तान में जब दिवाली का जश्न मनाया जा रहा था, तब पाकिस्तान में काला दिवस मनाया जा रहा था। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के शहर रियाद में आयोजित होने वाले तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शामिल होना है। पाकिस्तान पर भारत की शिकायत के बाद कार्रवाई तय मानी जा रही है। हो सके तो पाकिस्तान को अर्थदंड भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने पीएम नरेंद्र मोदी के विमान को अपने एयर स्पेस से उड़ने की अनुमति नहीं दी है। जाहिर है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहता, चाहे उसे कितने भी मुंह की खानी पड़े। सीमा पार से जहां वो एक तरफ आतंकियों को भेज रहा है, तो दूसरी तरफ वो मानवता का रोना पूरी दुनिया में रो रहा है। लेकिन हर मोर्चे और हर मौके पर पाकिस्तान नाकाम हो ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।